जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, इसका नाम है Redmi Note 10 Pro और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR Unbox। दोस्तों रिसेंटली Redmi Note 10 Pro में MIUI 12.5 का एक नया अपडेट आया था। अपडेट में आपको क्या फीचर्स मिले थे उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, क्लिक करके देख लीजिएगा। बट दोस्तों उसी अपडेट के बाद यहाँ पे Redmi Note 10 Pro में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है जिनको मैं 3-4 दिन यूज करने के बाद मैंने नोटिस किया। इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि MIUI 12.5 के अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद Redmi Note 10 Pro में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। सो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। Redmi Note 10 Pro में दोस्तों MIUI 12.5 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मुझे जो सबसे मेन प्रॉब्लम नोटिस हुई वो है स्लो चार्जिंग की। दोस्तों MIUI 12.5 अपडेट के पहले ये फोन आपका अप्रॉक्स 1 घंटे 30 मिनट 35 मिनट में चार्ज हो जाता था, बट इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद यार अप्रॉक्स आपका फोन 1 घंटे 45 से 50 मिनट भी कभी कभी लग जाते हैं इसको फुल चार्ज होने में। तो ये अपडेट में सबसे ज्यादा मेन जो प्रॉब्लम है ये नोटिस हुई। हाँ, हो सकता है मे बी जो नेक्स्ट अपडेट आए उसमें ये फिक्स हो जाए, साथ ही आपके साथ ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप भी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम दोस्तों जो हमें नोटिस हुई वो ये थी कॉलिंग से रिलेटेड। जब भी आपके फोन में कोई कॉल आती है और आपका फोन लॉक होता है उस टाइम पे क्या होता है कि फोन में रिंग तो बजती है बट कॉल किसकी है, जो आपकी डायलर स्क्रीन होती है कॉलिंग स्क्रीन होती है वो शो नहीं करती। ये मुझे अप्रॉक्स मान के चलो ये बहुत ही रेयर नोटिस हुआ, मतलब आपके फोन में 10 बार कोई कॉल आती है उसमें से 1 या 2 ही बार होता है, बट ये प्रॉब्लम लगातार जब से मैंने अपडेट किया हुआ है तब से हो रही है। आप उसके बाद आपको करना क्या होगा कि आपको अपने फोन को जैसे आप अनलॉक करते हैं तब आपको शो होगा कि किसकी कॉल आ रही है, लॉक के टाइम में आपके फोन में केवल रिंग बजेगी बट आप नहीं देख पाएंगे कि कॉल किसकी आ रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दोस्तों जो मुझे नोटिस हुई वो ये है यूआई लैग। आप जब भी रिसेंट ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में थोड़ा सा जिटरीनेस नोटिस होगा, साथ ही यहाँ पे आपको लगता है जैसे आपकी स्क्रीन थोड़ी सी स्टक हो गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये मुझे नोटिस हुआ क्रोम एप्लीकेशन में। जब भी आप अपने क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कोई भी वेबसाइट या कोई भी टैब ओपन करते हैं वहां पे स्क्रॉल करते हैं तब भी आपको 120 हर्ट्ज स्क्रॉलिंग के टाइम भी आपको थोड़ा सा लैग नोटिस होगा। मे बी हो सकता है ये भी चीज अपडेट में फिक्स हो जाए बट अभी ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दोस्तों जो मैंने नोटिस किया MIUI 12.5 के अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद वो है हीटिंग। स्पेशली दोस्तों हीटिंग तब नोटिस हुई जब मैंने कैमरा एप्लीकेशन को ओपन किया। यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जब भी आप कोई फोटोज को क्लिक करते हैं या कोई वीडियोज को शूट करते हैं उस टाइम पे 5 से 6 मिनट के अंदर ही आपके फोन का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो आप लोग भी ये चीज नोटिस करेंगे अपने Redmi Note 10 Pro में MIUI 12.5 के अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। नेक्स्ट प्रॉब्लम दोस्तों जो मैंने नोटिस की वो है स्क्रीन फ्लिकरिंग का। बेसिकली आपको बता दूं कि मैं कब होता है, तो आप जब भी अपने फोन की ब्राइटनेस एकदम मिनिमम रखेंगे उसके साथ आप अपने फोन को लाइट मोड में यूज करेंगे, डार्क मोड में नहीं। मैंने यहाँ पे 2 एप्लीकेशन में स्क्रीन फ्लिकरिंग इशू नोटिस किया। पहला एप्लीकेशन था दोस्तों फ्लिपकार्ट, लाइट मोड में एकदम मिनिमम ब्राइटनेस में आप जब भी स्क्रॉल करेंगे अपने पेज को ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रखेंगे देन आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा फ्लिक कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे क्रोम में भी मैंने नोटिस किया बट मैं आपको फिर से बता दूं ये प्रॉब्लम तभी हो रही है जब आप लाइट मोड में और लो ब्राइटनेस में अपने फोन को यूज करते हैं तब। लास्ट प्रॉब्लम दोस्तों जो मैंने नोटिस की, मुझे नहीं लगता ये कि MIUI 12.5 की प्रॉब्लम है बट आपके साथ ये डेफिनेटली हो रहेगी, जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। आप जब भी कोई भी कॉल करते हैं, नंबर डायल करते हैं, आपके फोन में कोई कॉल आती है आप रिसीव करते हैं उस टाइम पे आप देखेंगे कि जब भी आप अपने फोन को कान के पास ले जाते हैं कभी कभी आपके फोन जो है उसकी स्क्रीन ऑफ नहीं होती है, वहां पे अनवांटेड टचेज भी हो जाते हैं। या बहुत बार क्या होता है कि आप जैसे ही फोन को अपने बात करते हुए अपने स्पीकर पे करना चाहते हैं बट वहां पे आपके फोन की जो लाइट है वो बंद रह जाती है, स्क्रीन की लाइट वो ऑन नहीं होती थी। ये प्रॉब्लम मुझे लगता है हार्डवेयर इशू हो सकता है क्योंकि ये MIUI 12.5 के अपडेट से पहले भी ये प्रॉब्लम हो रही थी। दोस्तों Redmi Note 10 Pro में आपको MIUI 12.5 के बाद मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स बताई क्या आपके साथ भी हो रही है, आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम हो रही है आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।